यस स्टूडेंट्स, हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नेक्स्ट पार्ट है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाए। पहले जो इंडस्ट्रीज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व होती थी, उनको कम कर दिया गया है और उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अब इसके मेजरमेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कम करके सिर्फ अभी दो इंडस्ट्रीज और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज रह गई हैं, जिनके जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं, उन चीजों को छोड़कर, जिसमें एक आता है हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी, इसको छोड़कर बाकी हर तरह के गुड्स को प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है डिस इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के में डिस इन्वेस्टमेंट शुरू किया गया है, विनिवेश शुरू किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही हैं, उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया है। थर्ड आता है सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर्स जो हैं वो सेल किए जाते हैं पब्लिक को, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की उसको एक्वायर कर सके और उन इंडस्ट्रीज को चला सके। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि प्राइवेटाइजेशन एंड डीनेशनलाइजेशन। एक होता है निजीकरण और दूसरा है डीनेशनलाइजेशन, इसमें फर्क क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के अलग अलग एरियाज में डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जाए, लेकिन डी नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के डिफरेंट एरियाज में नेशनल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल अंडरटेकिंग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है, जो कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक इकोनॉमी जो कि दूसरी इकोनॉमीज के साथ, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ फ्री होकर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके, कैपिटल की मूवमेंट हो सके, तो ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके, इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के हमारे कुछ फीचर्स हैं, इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 40% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। बहुत से एरियाज ऐसे हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर 100% इन्वेस्टमेंट को परमिशन दे दी गई है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, 100% कर दिया गया है। सेकेंड है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि इंडियन रूपी को पार्शियल कन्वर्टिबल की परमिशन भी मिल गई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए, इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए, या इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट देने के लिए, या फॉरेन रेमिटेंसेस यानी कि विदेशी सहायता देने के लिए और लेने के लिए, इन सब के लिए इस कन्वर्टिबिलिटी को मंजूरी दी गई है। थर्ड है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर ग्लोबलाइजेशन में एक नई टर्म, 5 ईयर्स के लिए कोई भी नई ट्रेड पॉलिसी बनाई जा सकती है। ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है लोगों को, ताकि वो फ्री होकर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकें। और टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह, उनको रिड्यूस करने की प्रोविजन भी रखी गई है। बाकी कुछ और भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि फिस्कल रिफॉर्म्स हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा, इनकम कम थी, उससे निपटने के लिए फिस्कल रिफॉर्म्स शुरू किए गए हैं। तो इसके कारण लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी अनाउंस की जाती है, और इसमें टैक्सेशन सिस्टम और प्रॉफिट ऑफ फॉरेन कंपनी, सब्सिडीज, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम।
दूसरा है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का मतलब है देश में मॉनेटरी और बैंकिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। गवर्नमेंट ने नरसीमा कमेटी जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए उसकी जितनी भी सिफारिशें थी उनको यूज किया है। उसके अंडर क्या किया गया है, लिक्विडिटी रेशियो को कम कर दिया गया है, जो कि पहले SLR 38.5% थी, ये 18% हो गई है। CRR को भी कम करके 3% कर दिया गया है। सेकंड है इसमें फ्री डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना होगा ये उसके लिए फ्रीडम दे दी गई है बैंक्स को, कि वो सिर्फ RBI के अंडर नहीं बल्कि अपने हिसाब से भी उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम को रिकंस्टिट्यूट किया गया है, मोर फ्रीडम टू बैंक्स, और बैंक्स को और ज्यादा फ्रीडम दी गई है ताकि बैंक्स इंडिपेंडेंट होकर देश के विकास में हेल्प कर सके।